we will see use of is, am, are. In live class, I have told you very, very minute things about these helping verbs is, am, are, that where they are used. Okay, so here also I will tell you, okay, if you have not understood that day, so you can understand today by this video. That is why I am making the video of this is, am, are. The main purpose of making this video is, am, are. I want to make you understand about what is these, what are these helping verbs, okay, and how they are used and when and where they are used, okay. So listen to me carefully, okay. So use is, am, are in the blanks to complete this passage. Then read out the passage to your partner, okay. We have to use is, am, are according to the sentence, okay. So first let me tell you one thing, that whenever we see the singular subjects, what are singular subjects? Singular subjects what are singular subjects singular subjects are he, she, it, or any name. Okay, singular subjects are he, she, it, any name. जब भी कहीं पे he आए, she आए, it आए और किसी का नाम आ जाए, ओके, या किसी का नाम आ जाए, राम, श्याम, सीता, गीता, नेहा, पूजा, ओके, एनी नेम, इवन कि अगर किसी जानवर का नाम भी आता है ना, या कहीं पे भी अगर प्रॉपर नाउन आ जाता है, ओके, कहीं पे भी अगर प्रॉपर नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का नाम, अगर किसी का नाम आ जाता है तो वो एक इंसान के लिए एक ही नाम यूज़ करेंगे ना, है ना, एक चीज़ के लिए एक ही नाम यूज़ करेंगे ना, तो वो सिंगुलर होता है, ओके. ही आए, शी आए, इट आए और एनी नेम या किसी का नाम आए तो वो सिंगुलर होता है, ओके. दिस आई एम टेलिंग यू इन हिंदी बिकॉज आई नो सम आर वेरी पुअर इन इंग्लिश एंड ओके आई वॉन्ट दैट एवरी वन शुड बी aware of these things, okay, these are the basic things that you should understand, okay, this is not for class third, this going to be used in all of the classes that you will be studying, so you should listen to me carefully, listen to this video carefully so that you can understand the thing that I am telling you, okay, these are very important thing, okay, and ye aapka peecha kabhi bhi nahi chhodne wali hai, chahe aap kitni bhi padhai kar le, है ना, हर जगह ये काम आने वाली है. देन किसी का नाम, एनी नेम, किसी का नाम आएगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे नहीं, अभी पहले ये सोचो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गई, ओके. अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गई, तो अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता चल गया, ही, सी, इट और एनी नेम, ओके, दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स. अब इसके साथ क्या लगेगा, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ क्या लगेगा, ही, she, it, or any name, any name, इनके साथ क्या लगेगा, is लगेगा, क्या लगेगा, is लगेगा. जब भी he आएगा, she आएगा, it आएगा या किसी का नाम आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, इज, आंख बंद करके इज लगा देना, कभी गलत नहीं होगा, ओके. नाउ लेट अस सी, देखो अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, ओके, वीडियो को पूरा देखना. देन अब क्या है, एम के साथ बहुत इजी है, एम जब भी आएगा तो, सॉरी, एम कैसे लगाना है,
जब भी आई आएगा, आई सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो जब भी आई आएगा तो आप आंख बंद करके एम लगा दीजिएगा, गलत नहीं हो जाएगा। मैं वॉज वर की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉज वर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इज एम एन आर। सो वी हैव टू बी रिमेंबर दैट वॉट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वॉट मैम टोल्ड मी, ओके, एज आई एम टेलिंग यू दैट आई आएगा तो एम लगा देना, ओके। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि कहीं पे आपको वॉज वर का यूज़ करने के लिए बोले, वॉज वर का यूज़ करने के लिए बोले, है ना, और आई आए तो आप, आई आ जाए तो आप वॉज वर में आई की जगह पे एम लगा दें, है ना। जब जिस चीज़ का यूज़ करने के लिए बोलेगा तो हम वही देखेंगे, ठीक है। अभी हम एम की बात कर रहे हैं तो मैं आई के साथ आपको एम लगाने के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे, है ना। जब वॉज वर का यूज़ करने के लिए आएगा तो मैं बताऊँगी आपको कि क्या लगाना है, है ना। आई के साथ वॉज लगेगा, वर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स जाएंगी, ठीक है। इसीलिए अभी सिर्फ इज एम आर पे ध्यान देना, ओके। सो अब देखो आर किसके साथ लगेगा, आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन सी होती है, वी, यू, दे, ओके, वी, यू एंड दे, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा, वी, यू, दे, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा, आर, क्या लगेगा, आर। जहाँ कहीं भी वी, यू, दे आपको दिखाई दे तो आप सीधे क्या लगा देना, आर, व्हाट यू विल पुट, आर, ओके। सो नाउ दिस विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ आई एम रीडिंग द लाइन्स, दिस डैश डैश स्विमिंग, ही डैश डैश अ टेडपोल, देयर डैश डैश मेनी टेडपोल्स इन द पॉन्ड, स्विमी डैश डैश माई पेट एंड लिव्स इन अ फिश बोल, अ टेडपोल डैश डैश अ बेबी फ्रॉग, बट दे डैश डैश वेरी डिफरेंट, वेन स्विमी डैश डैश अ फ्रॉग आई विल कॉल हिम हॉपी, ओके। सो यहाँ पे दिस आया है, ओके, सो यहाँ पे दिस आया है, सो दिस दिस दैट दिस दोज। सो देखो इसमें से दो चीज़ें सिंगुलर होती हैं, ये दोनों सिंगुलर होते हैं और ये दोनों प्लूरल होते हैं, ओके। जब भी एक चीज़ होगी, है ना, तो वहाँ पे दिस या दैट लगेगा। अब वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगता है ना, अगर कोई चीज़ पास होगी तो दिस लगेगा, अगर कोई चीज़ दूर होगी तो दैट लगेगा, लेकिन सिंगुलर होनी चाहिए। दीज, जब कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वेन एवर द थिंग इज टू और मोर देन टू, वी पुट दीज और दोज, ओके। इसमें भी डिस्टेंस का होता है, दीज उसमें लगेगा जो चीज़ें पास होंगी, मतलब जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब पास होती हैं तो दीज लगता है, और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें दूर होती हैं देन वी विल बी वी यूज दोज, ओके। सो दिस एंड दैट इज अ सिंगुलर, दीज दोज आर प्लूरल्स, ओके। सो दिस यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज। सो दिस इज स्विमी, ही, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ही आएगा तो क्या लगाओगे आप, इज लगाओगे, है ना, वी, यू हैव अंडरस्टूड, यू गेटिंग माई पॉइंट्स, यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट, मे बी यू आर गेटिंग, ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग, ओके। सो ही इज यहाँ पे लगेगा, देयर, ओके, ये देयर आ गया, देयर, ये देखो यहाँ पे अब देयर को आप मत देखो, क्योंकि देयर के बाद इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, तो हमें क्या देखनी है, सब्जेक्ट्स, क्या देखनी है, सब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे टेड पॉल्स लिखा हुआ है, ओके, हियर इज रिटन टेड पॉल्स, सो वी विल पुट आर, अकॉर्डिंग टू टेड पॉल्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स वी शुड यूज हेल्पिंग वर्ब, ओके। देयर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, टेड पॉल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे
आर यूज़ किया. स्विमी डैश डैश माई पेट एंड लिव्स इन अ फिश बोल. अब यहाँ पे स्विमी सिंगुलर सब्जेक्ट है. मैंने आपको बताया कि जब भी एक सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना. स्विमी किसी का नाम है, मैंने आपको बताया था. नाम आएगा तो हम क्या लगाएंगे, किसी का नाम आएगा तो इज लगाएंगे. यहाँ पे क्या लगेगा, इज. स्विमी इज माई पेट एंड लिव्स इन अ फिश बॉल अ टेट बॉल. अब देखो यहाँ पे अ टेट बॉल बोल रहा है तो हम सीधे इज लगा देंगे. अ टेट बॉल ये सिंगुलर है ना. अ टेट बॉल इज अ बेबी फ्रॉग बट दे यहाँ पे आ गया ना. दे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, है ना. यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा. बट दे आर वेरी डिफरेंट व्हेन स्विमी. अब यहाँ पे फिर से स्विमी आ गया. स्विमी किसी का नाम है और मैंने आपको बताया है, है ना. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हेनेवर एनी पर्सन्स और एनी एनिमल्स और एनी वंस नेम विल बी कमिंग देन वी विल पुट इज. ओके, वी विल पुट इज. ओके 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 थैंक यू. हैव अ नाइस डे. होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. यू हैव अंडरस्टूड बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. ओके थैंक यू. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.